हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। क्या है इस कॉन्फ्रेंस में, क्या आउटकम्स निकल के आए, क्या वर्ल्ड और इंडिया का सिनेरियो है, क्यों न्यूज़ में है, इन सब टॉपिक्स को लेकर के एक ब्रीफ और डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले भी जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। उसी के साथ हमारे इंस्टीट्यूशन के जितने भी अपडेटेड प्रोग्राम्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनकी जानकारी आपको उस टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट निकल कर आता है कि ये न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली थर्ड ग्लोबल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टॉकहोम में हुई है स्वीडन में, जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज करवाया है वो करवाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर 80 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और हर कंट्रीज के रेस्पेक्टिव मिनिस्टर ने आकर के वहाँ पर अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा बात करते हैं की पॉइंट्स की, तो सबसे पहला जो की पॉइंट है थीम की अगर बात करते हैं, बहुत थीम आती है स्टेटमेंट में, बहुत आती हैं ये चीज़ें। थीम जो रही कॉन्फ्रेंस की वो रही अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, ये इसकी थीम रही। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो रोड सेफ्टी का जो मुद्दा है उसको एक ग्लोबल एजेंडा बनाना, उसको एक ग्लोबल पहचान दिलवाना कि भाई ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से वर्ल्ड इफेक्ट होता है, उसको लेकर के एक इनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, इसके अंदर ही जो ऑब्जेक्टिव वो कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसके जितने भी कमिटमेंट्स हैं सेफर रोड्स को लेकर के, उन कमिटमेंट को रिन्यू करना। दूसरा, तीसरा इसके अंदर बात आता है कि स्ट्रेटजीज जो है लाइफ को सेव करने की, उन स्ट्रेटजीज को एक्सेलरेट करना जिससे कि उन स्ट्रेटजीज की एफिशिएंसीज को बढ़ाया जा सके। तो ये इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आगे बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो कॉन्फ्रेंस ने एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जहां पे एक नया ग्लोबल टारगेट सेट किया रोड सेफ्टी के लिए 2030 के लिए। उसके अलावा किस तरीके से जो वर्ल्ड की रोड्स हैं उनको सेफ बनाया जाए, लाइव्स बचाई जाएं, उनको लेकर के जो भी सॉल्यूशंस हैं उनमें इनोवेशन लाई जाए, तो उसका इनोवेशन करने के लिए भी इसके अंदर जो है डिक्लेरेशन था वो। उसके अलावा बात करते हैं जो आपका लास्ट डेकेड रहा है 2011 से 2020 में, वो डेकेड था डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, उस डेकेड में जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट सक्सेसेस रही हैं, जितने भी आपने लेसन्स लिए हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करी, उनको आपस में शेयर करना जिससे कि एक जो है कोऑपरेशन इसके अंदर बढ़ सके और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है दिखे कि वो फॉरवर्ड होकर के इस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है उसको रीअफॉर्म किया कि वो बिल्कुल तरीके से कमिटेड है यूएन का जो डेकेड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स बाय द ईयर 2030 है। ठीक है, पहला वाला जो 2011 से 2020 का जो डेकेड था वो था रोड सेफ्टी को लेकर के जो एक्शंस हैं उनके लिए, और 2021 से 2030 वाला जो आपका जो डेकेड है वो है कि किस तरीके से आप जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको आप ड्रास्टिकली कम कर सको। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखना कौन से डिकेट में क्या आया है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिक्स की कि नंबर्स क्या कहते हैं रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसमें वर्ल्ड सिनेरियो की, वर्ल्ड सिनेरियो में पहला पॉइंट है नंबर ऑफ डेथ। नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो आज की तारीख में वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट से होने वाली जो हत्या, जो लोगों की मरने की जो संख्या है वो अनअसेप्टेबली बहुत ज़्यादा हाई है, और लगभग 1.35 मिलियन जो है हर साल मर जाते हैं, जो 1.35 मिलियन लोग हैं हर साल मर जाते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी डेथ होती है उनमें से रोड एक्सीडेंट से प्रमुख कारण है और 8वां सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, जिसके अंदर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है जिनकी एज 5 से 29 साल के बीच में होती है। तीसरा इसके अंदर आता है इकोनॉमिक बर्डन। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो लगभग कंट्री की 3% जीडीपी का हिस्सा होते हैं, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसके बाद बात करते हैं नेशनल सिनेरियो या फिर अपने इंडिया के न्यूमेरिक्स की। यहाँ पर लगभग हर साल
1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में, लेकिन इसमें ड्रास्टिक ड्रॉप देखा गया है। 2010 से 2018 का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो एक्सीडेंट से होने वाली डेथ है उनके अंदर बहुत कमी आई है अगर पिछले डेकेड से उसका कंपैरिजन किया जाए। जबकि 2010 से 2018 वाला जो आपका डेकेड है या फिर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल्स का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसके अलावा अगर सिवेरिटी की बात की जाए, इसके अंदर सिवेरिटी को सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं रोड एक्सीडेंट्स की टर्म्स में, नंबर ऑफ पर्सन किल्ड पर 100 एक्सीडेंट्स, ठीक है, कितने लोगों की हत्या हो रही है पर 100 एक्सीडेंट्स में, तो वो जो है 2018 में 0.6% से बड़ा है अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं 2017 से। तो ये न्यूमेरिक्स की कहानी है प्रॉपर वर्ल्ड में भी और नेशनल सिनेरियो में भी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कि ग्लोबल के क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि रोड की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। सबसे पहला इसमें निकल के आता है ब्रासिलिया डिक्लेरेशन। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन 2015 में साइन हुआ था जब सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही थी रोड सेफ्टी की, जो कि ब्राज़ील में हुई थी, और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो रशिया में हुई और ये तीसरी हुई है। ठीक है, तो पहली कॉन्फ्रेंस रशिया 2009, दूसरी हुई ब्राज़ील में 2015 और तीसरी अब हुई है 2020 में स्वीडन के अंदर में। जो ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है उसके अंदर बात की गई थी कि जो 3.6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव किया जाएगा 2030 तक, जिसके अंदर बात की गई है कि जितनी भी ग्लोबल डेथ और इंजरीज होती हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में उसका जो नंबर है उसको हाफ करा जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने 2011 से 2020 का जो डेकेड था उसको जो है डिक्लेयर किया था कि वो है डेकेड ऑफ एक्शन फॉर सेफ्टी। उसके अलावा बात करते हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है हर 2 सालों में बनाया जाता है और इसका जो 5th एडिशन था वो सेलिब्रेट हुआ था 6 to 12 May 2019 में। तो ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता है रोड्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। उसके अलावा बात करते हैं IRAP, इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम। तो एक रजिस्टर्ड चैरिटी है जो डेडिकेटेड है लाइफ को सेव करने में, जितने भी जिससे कि और बेसिकली इसका काम है जितनी भी रोड्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, उनको और ज़्यादा सेफर बनाना जिससे कि जो लाइफ है वो सेव हो सके। तो ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी है जो इसी के लिए काम करती है। उसके अलावा बात करते हैं नेशनल इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं रोड की सेफ्टी को लेकर के। तो 4E दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, और एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें 4E का मतलब था एजुकेशन, इंजीनियर, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। एजुकेशन में था कि अवेयरनेस जनरेट की जाएगी, रोड सेफ्टी कैंपेनिंग होगी, ऑडियो विजुअल जो मीडिया है उसका सहारा लिया जाएगा और एनजीओस का सहारा लिया जाएगा और पब्लिक को रोड सेफ्टी के लिए अवेयर किया जाएगा। दूसरी, इसके अंदर इंजीनियरिंग का हेल्प ली जाएगी कि क्या क्या टेक्निकल वेज हैं जिससे जो है रोड की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है और जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें रिडक्शन किया जा सकता है। तीसरा, इन्फोर्समेंट, जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं आज की तारीख में उनको प्रॉपरली इंश्योर किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि लोग उनको अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और चौथा, इसके अंदर इमरजेंसी केयर। एक स्कीम थी नेशनल हाईवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर क्रेन्स थी, एम्बुलेंस थी, स्टेट यूटीज़ और एनजीओ को दी गई थी, जिससे कि क्या नाम है अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जल्दी से जल्दी इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके अलावा जस्टिस KS राधाकृष्णन कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी जो रोड की सेफ्टी को स्टडी करने के लिए 2014 में, और सुप्रीम कोर्ट ने रोड्स को उसी टाइम जो है कहा था कि ये जाइंट किलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करने के लिए KS राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी। उसके अलावा बात करते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहले जो 2019 का अभी हुआ था उसके अंदर क्या किया गया था कि जो पेनल्टीज थी ट्रैफिक वायलेशंस को लेकर के, डिफेक्टिव व्हीकल्स को लेकर के, जुवेनाइल ड्राइविंग को लेकर के जो भी फाइन था उसका अमाउंट जो है वो बढ़ाया गया था। उसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कहा गया था कि आप जो है जितने भी क्लेम वगैरह है उनको जल्दी से जल्दी जो है पूरा करिए जो भी क्लेम बनता है। उसके अलावा एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया गया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया गया, और
तो यही इसके मेजर फीचर्स थे जो आपका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था 2019। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के बारे में जाना, IRAP के बारे में जाना, 4Es क्या हैं इनके बारे में जाना, वर्ल्ड के सिनेरियो के बारे में जाना, और अब की जो ये मिनिस्ट्रियल और कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में जाना। तो बहुत सारा डिटेल में हमने ब्रीफ में कवर कर लिया, और हमारा ये टॉपिक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूरा है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और आपके कोई भी सजेशन से फीडबैक है आप हमें डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।